मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में उड़ान हॉस्टलों की संस्था द्वारा सफाई कर्मियों का सम्मान समारोह थाटीपुर में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण और साथ ही में लगन से निर्वहन किया। इस दौरान यह किसी देवदूत से कम नहीं थे। लॉकडाउन में जहां लोग अपने घरों में थे, वहीं सफाई कर्मचारी शहर को साफ सुथरा करने और कोरोना वायरस के खतरे को कम करने में जुटे थे। ये सफाई कर्मचारी जनता के लिए खुद की परवाह किए बगैर मुस्तैद होकर ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना वायरस को मात देने के लिए ये सफाई के सिपाही सच्ची सेवा कर रहे हैं। एक तरफ से सीधी जंग लड़ रहे हैं, सुबह शाम सड़क नाली और कूड़ेदान साफ करने वाले इन सफाई कर्मियों के जज्बों को हम सलाम करते हैं। कोरोना वायरस के बीच जोखिम लेते हुए सफाई कर्मचारी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। न केवल कोरोना काल में इनकी सेवाएं बल्कि 12 महीने सातों दिन निरंतर चलती रहती है। इसकी वजह से शहर और हमारे आसपास का परिवेश स्वच्छ रहता है। साथ ही में इनका सम्मान और इनकी हौसला अफजाई करना नितांत आवश्यक है, ताकि वे अपने कर्म पथ पर उत्साहपूर्वक गतिशील हो और साथ ही साथ अपने कार्य को ईमानदारी और तन्मयता से करें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति से विनम्र निवेदन है कि इससे घृणा न करें और इनका सम्मान करें। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण अधिकारी माननीय श्री शालीन शर्मा जी उपस्थित रहे। साथ ही में संस्था अध्यक्ष सीता पाणिग्राही, गीतांजलि राजपूत, साथ ही में हर्षिता गुर्जर, बबीता गुप्ता, प्रिया बाबरा और वंदना कौर, निकिता शर्मा, अमित द्विवेदी और ग्वालियर शहर के वरिष्ठ समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी प्रदीप लक्षणे आदि उपस्थित रहे। जो है जैसे जो विशुद्ध कर्मी है हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो इनका सम्मान करने के उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि कोरोना पेंडामिक में है ना, तो इस समय तो ना केवल कोरोना पेंडामिक में बल्कि और भी जितनी बाकी हर दिन अपन कहेंगे 24/7 जो डेज होता है, हर दिन इनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारे लिए। और उसके बावजूद ये कि हमारे शहरों को, हमारे आसपास के जो परिवेश होता है, इनको स्वच्छ रखने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बावजूद भी कुछ लोग, मैं कहूँगी सब नहीं कहूँगी, कुछ एक शब्द करके कहूँगी, कुछ लोग इनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं दे पाते हैं किन्हीं कारणों से जो है। तो हम लोग क्या है, ये उद्देश्य जो है हमारा जो मैसेज है कि सोसाइटी में जो और भी लोग, जैसे हम सब हैं ह्यूमन बीइंग, दे ऑल्सो ह्यूमन बीइंग है ना। हम जैसे हम लोग क्या करते, किसको अच्छा लगता घरों में गंदगी में रहना, हम भी अपने घरों में क्या करते, झाड़ू पोछा बर्तन सारे, इवन वॉशरूम्स वगैरह सारे साफ करते। क्लीनिंग में रहना हर किसी को अच्छा लगता है, तो उससे हमें कोई सेमलेस तो फील होता नहीं, सेम। सो जब हम अपने को करते हैं तो ये तो, जबकि हमारे आसपास के जो परिवेश है उसको सफाई से रखते, तो उसके हिसाब से इनको और भी ज़्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए। उनकी वजह से हम सफाई में रह पाते नहीं। तो नाजन करिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हो और साफ सफाई नहीं हो रही, वो एक शहर और जंगल में आई डोंट थिंक सो कि हमें लगता कि हम शहरों में रह रहे हैं। सो वो है कि जो है बाकी जो और भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, वो लोग भी सब इनको सम्मान से करें। और ये इनकी ड्यूटी है एक तरह से, कर रहे जैसे हम लोग बाकी अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कोई अलग चरर है, कोई अपनी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ होती है वो भी अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ ड्यूटीज़ के साथ साथ ये सफाई जो हम कर रहे हैं। तो यही उद्देश्य है हमारा इनको सम्मानित करने का। और आज देखा होगा हमने सबने कोरोना काल में जब हम लोग सरकार प्रशासन सब ऑफिस तक बंद थे, उस पीरियड में सबको कोरोना का डर था, परंतु इनके कार्य की वजह से जहाँ गंदगी लोग बात गंदगी करके फेंक देते थे, अगर ये लोग भी घरों में कैद होके रह जाते या फिर इनके बच्चों ने भी इनसे कहा होगा कि आप मम्मी आपको संक्रमण फैल रहा है कोरोना काल का, आप छुट्टी ले लीजिए भले चाहे तनख्वाह कट जाए, पर उन्होंने उसकी चिंता न करते हुए एक समाज के लिए जो बेहतरीन कार्य किया है, आज जो उड़ान हॉस्टलों के लिए जो उनका सम्मान किया है, वास्तव में ये बात है इनमें सम्मान के हकदार हैं, तो इनका सम्मान होना चाहिए। और इनके वजह से ही हम कोरोना के संक्रमण को फैलने में हम कामयाब हुए हैं। जय जय। तो मेरे पास बोलने के लिए तो ज़्यादा नहीं है, पर मैं थोड़ा सा कहूँगा कि हम लोग अपनी कॉलोनी में या घर में स्वच्छता से इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि आप सभी लोग हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के नीचे एक आंटी आती हूँ, सुबह से आ जाती हैं, उनका काम ही सफाई का है। तो मैंने ये देखा है कि रोज सुबह से मैं 5 बजे उठती हूँ तब भी वो मिलती हैं, 4:30 बजे उठती हूँ तब भी वो मिलती हैं,
सात बजे देखूँ तब भी वहीं बैठे हुए हैं, तो सोचिए कि वो कितने सुबह से उठकर सारे, मतलब हम जब होते हैं ना तो घर पे क्या करते हैं, घर के सारे काम होते हैं, घर पर झाड़ू पोछा खाना इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो आप लोग हैं वो सुबह से निकलते हैं अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर सिर्फ इसलिए कि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ रहे। कार्यक्रम दर सफाई कर्मियों का सम्मान, किस तरह का अनुभव रहा, कैसा रहा? उड़ान हौसलों की संस्था जो सामाजिक कार्य हमेशा से करती आ रही है, और आज उन्होंने जो एक सफाई कर्मियों का जो सम्मान किया है वो बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में अगर सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है तो हमारे सफाई कर्मियों का ही रहा है। जब हम लॉकडाउन के समय में जब हम घरों में कैद थे तब उन्होंने सफाई कर्मी को जो कार्य किया है, जो शहर को स्वच्छ रखने में और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में जो सहयोग ये सफाई कर्मी कर सकते हैं, उनका सराहनीय कार्य, उनके लिए हम सैल्यूट करते हैं, और उनके जो हौसला उड़ान की जो संस्था ने जो कार्य किया उनको बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। सम्मान किसी का भूखा नहीं होता, सम्मान से आदमी का हौसला बढ़ता है और कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मैं उनको पूरी हौसला उड़ान संस्था को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। जय हिंद, जय भारत। इस तरह का आज कार्यक्रम था और सम्मान किया आपके द्वारा। कार्यक्रम जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारी जो बहनें हैं सफाई कर्मचारी नगर निगम की, उनका सम्मान था, और ये बहुत अच्छी बात है। संस्था का बड़ा ही अभिनव प्रयास है कि ग्रास रूट पर जो लोग काम करते हैं, असली काम करते हैं, शहर को अगले दिन फिर सफाई के लिए, मतलब रहने योग्य बनाने के लिए तैयार करते हैं वो लोग, तो उन लोगों का सम्मान होना था, और खासकर उन्होंने महिला सफाई कर्मियों को चुना, ये बहुत अच्छी बात है महिला सशक्तिकरण के लिए। किस तरह का आज कार्यक्रम रहा? आज जो है हम लोग सफाई कर्मी जो है उन लोगों की हम लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित किया, और ये सम्मान समारोह आयोजित करने का उद्देश्य है कि समाज के कुछ लोगों का जो है ना नज़रिया इनके प्रति जो है एक छोटा नज़रिया और घृणा की नज़र से इनको देखते हैं, इनको जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान से इनको नहीं देखा जाता है। तो एक सोसाइटी में हमें ये मैसेज देना है समाज में कि इन लोगों को आप घृणा की दृष्टि से ना देखें, जैसे हम सब है सामान्य जन है, ये भी हमारी तरह ही सामान्य जन है, वो भी ह्यूमन बीइंग ही है ना। सो वो है उनकी एक तरह से ड्यूटी है, और ड्यूटी के साथ साथ एक वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारे शहरों को और हमारे आसपास के परिवेश को स्वच्छ बनाने में वो हमें मदद कर रहे हैं। आए दिन आप देखते हो कि जगह जगह पे जो भी होता है, तरह तरह की जगह गंदगी होती है, और उन कामों को वो करते हैं, तो वो जब हमारे आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने में वो हमारा इतने योगदान करते हैं, तो उसके लिए तो हमें उनके लिए सम्मान की भाव रखना चाहिए, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि उनके लिए हमें घृणा करना चाहिए। और अगर स्वच्छ ना रहे शहर में, तो आप भी जानते हो कि गंदगी की वजह से ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो गंदगी से फैलती है, जैसे अगर हम बात करें चाहे वो मलेरिया हो चाहे वो डायरिया, बहुत सारी ऐसे बीमारी है जो गंदगी की वजह से फैलती है। और तो इस वजह से बस हमारा ये प्रयास है इनको सम्मानित करने का कि जो है बाकी और भी लोग हैं, कुछ जो लोग हैं मैक्सिमम लोग तो आजकल खैर इनके लिए सम्मान की दृष्टि रखते हैं, बट अगर फिर भी कुछ लोग अगर ऐसे सोच रखते हैं तो हम उन सब से विनम्र अपील करते हैं कि कृपया आप इन लोगों के लिए जो भी मान सम्मान बाकी लोगों के लिए रखते हैं आप उनके लिए भी इतनी ही मान सम्मान करें, और जो भी सहयोग आप अपने तरफ से हो सकता है आप अपना सहयोग, और सेकेंडरी चीज़ मेन चीज़ जो है अपने, जैसे ये लोग सफाई कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना अपने घर से कचरा निकाल करके अपने आजू बाजू जो भी अपने आसपास का क्षेत्र कहीं भी को डंप कर देते हैं, तो इससे इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें परेशानी होती है इनको भी परेशानी फेस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि वो साफ कर रहे हैं रखने में मदद करें और इनके लिए सम्मान की भाव रखें। धन्यवाद। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।